राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया। वो क्या है कि राम नवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा, तो इसमें तीन इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने की उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें ही भगवान के चरणों के ऊपर पड़ता है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें तीन दिन के लिए इतने अक्सर आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ।